नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीचैट। 25,000 के इनामी बदमाश सगीर और पुलिस में मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल, एक फरार। टांडा थाना इलाके की घटना, बाइक सवार दो बदमाशों की पुलिस से हुई मुठभेड़, एक बदमाश सगीर का साथी फरार। रामपुर पुलिस और बाइक सवार दो बदमाशों के बीच आज मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया जिसके पैर में गोली लगी है, दूसरा बदमाश फरार हो गया। सगीर नाम का यह बदमाश टांडा थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है और इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित है। बताया जा रहा है कि यह रात में अपने साथी के साथ जा रहा था, वहीं रास्ते में किसी साइकिल सवार से इसकी झड़प हुई, तभी पुलिस की गाड़ी आ गई थी। पुलिस की गाड़ी देखकर इसने घबरा कर पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस से मुठभेड़ में यह बदमाश घायल हो गया। इसका एक साथी भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने इसको खोजने के लिए काफी देर तक को सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन वो हाथ नहीं आया। अभी भी पुलिस उसकी तलाश कर रही है। घायल को फर्स्ट एड के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां उसको मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया गया है। समाचार टीजेट के लिए रामपुर से राहत अली की रिपोर्ट। क्या ये तो वहीं से जो है, जो रेफर बन के आया था उस पर जो है ML इंजरी नोट है, जिसका मेडिकल पहले से होके रखा हुआ था, ठीक है, जो हमारे यहाँ जो है नहीं डील हो सकता था, क्योंकि जो है शायद सर्जन साहब छुट्टी पे है, तो इस वजह से जो है इसको रेफर हमने जो है हायर सेंटर ऑब्लिक करके जो है मुरादाबाद के लिए जो है कर दिया, क्योंकि मुरादाबाद एक मंडल है, तो वहाँ जो है इस केस को अच्छे से देख लिया जाएगा। सीरियस ना, समवॉट सीरियस। बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है, क्या है मामला? आज शाम के टाइम पे सूचना प्राप्त हुई, एक बाइक वाले ने बताया, जो गश्त पे हमारी पुलिस पार्टी थी, कि दो बदमाश हैं जो बाइक लिए हुए हैं और तमंचा लहरा के उसकी बाइक रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उसने बताया कि साहब मैं तो भाग आया हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिए। तो पुलिस जब पहुँची, ललकार के रोकने का प्रयास किया, तो पुलिस पर उन लोगों ने फायर झोंक दिया। बदले में पुलिस ने भी फायर किया, पुलिस पार्टी ने भी, उसमें एक बदमाश की गोली लग गई है। एक बदमाश भागने में सफल रहा है, हमारे द्वारा कॉम्बिंग की जा रही है, शेष जो विधिक प्रक्रिया उसको पूरा किया। अच्छा, घायल बदमाश को कहाँ भेजा गया? अभी घायल बदमाश को इलाज के लिए भेजा गया है, और जो शेष बचा हुआ बदमाश है उसके लिए हम निरंतर कॉम्बिंग कर रहे हैं।